देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को बीते दिन एक साल पूरा हो गया, लेकिन अब भी किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी कई सारी मुख्य वजहें। एबीपी न्यूज़ ने किसान नेता राकेश टिकैत से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि एमएसपी को लेकर उनकी मुख्य मांग है। साथ ही साथ आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा किसान जिनकी जान गई उनके लिए मुआवजा सरकार दे, साथ ही मुआवजे के साथ उनकी ये भी मांग है कि लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है इस दौरान लखीमपुर में जो घटना हुई उसे लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो। तो ये कुछ मुख्य मांगे जिनके चलते किसान आंदोलन एक साल पूरा हो जाने के बावजूद चलता आ रहा है। हालांकि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया था, प्रक्रिया जो है वो भी जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन राकेश टिकैत जो कि किसान नेता बीकेयू के हैं, उन्होंने इस बात को साफ तौर से हमारे सामने रखा कि 29 नवंबर को गाजीपुर से, यानी कि जहाँ पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, यहाँ से 30 ट्रैक्टर्स जो हैं वो संसद की तरफ कूच करेंगे, जहाँ पर शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। आज की बात करें तो आज सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक चल रही है, जिसमें सभी बड़े किसान नेता मौजूद हैं, और आगे की रणनीति क्या होगी ये इसी बैठक में साफ तौर पर सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।